राइटिंग का एक शॉर्ट एग्जांपल डिस्क्राइब करेंगे। मैसेज राइटिंग, मैसेज कैसे लिखा जाता है, कैसे बनता है मैसेज का फॉर्मेट। सबसे पहले टॉप ऑफ द सेंटर में MESSAGE मैसेज इस वर्ड को लिखना है। टॉप ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड डेट लिखना है, इसके बराबर टॉप ऑफ द राइट हैंड साइड टाइम लिखना है, यानी जिस टाइम में हम लोग मैसेज लिखेंगे उस टाइम को लिखना है, जिस डेट में मैसेज लिखेंगे उस डेट को लिखना है। डेट के ठीक नीचे एक स्पेस देके सैल्यूटेशन लिखना है, यानी राइटर ऑफ द मैसेज जिसको मैसेज लिख रहा है किस नाम से बुलाता है उसको लिखना है, उसके नीचे एक स्पेस डालना है। फिर उसके नीचे बॉडी ऑफ द मैसेज यानी कंटेंट लिखना है, और नीचे यानी बॉटम ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड राइटर ऑफ द मैसेज उसका नाम लिखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है किसी भी मैसेज लिखने के बाद एक बॉक्स बना देना है, यानी बॉक्स से घेरना है। तो आज हम लोग एक शॉर्ट एक्सरसाइज मैसेज राइटिंग को सॉल्व करेंगे। यू रिसीव ए टेलीफोन कॉल फ्रॉम योर मदर्स ऑफिस, तुम्हें एक टेलीफोन कॉल मिला कहां से, अपने मम्मी के ऑफिस से। When she is not at home, जब टेलीफोन कॉल आया था तब वो घर पे नहीं थी। You have the following conversation with the speaker, तुम्हारे साथ स्पीकर का यानी जो टेलीफोन कॉल किया था उसके साथ कुछ बातचीत हुआ। But you have to go for your tuition class, मगर तुम्हें ट्यूशन क्लास के लिए भी जाना होगा। So you leave a message for your mother, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मैसेज को अपने मम्मी के लिए छोड़ जाना है। राइट द मैसेज विद इन 50 words, ये बात याद रखना, किसी भी मैसेज लिखने के समय ये बात जरूर याद रखना, मैसेज हमेशा मैक्सिमम वर्ड लिमिट 50 होता है, इससे ज्यादा तुम मैसेज लिख नहीं पाओगे। मैक्सिमम वर्ड लिमिट 50 words के अंदर तुम्हें एक मैसेज लिखना है यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवेन बिलो। जो इंफॉर्मेशन, जो बातचीत हुआ था, जो कॉन्वर्सेशन हुआ था, ये इंफॉर्मेशन यहाँ दिया गया है। क्या इंफॉर्मेशन? अंबुज, अंबुज का मतलब तुम्हारा नाम। अंबुज क्या बोल रहा है, हेलो मिस्टर रस्तोगी, यानी टेलीफोन के उस पार जो फोन किया था मम्मी के ऑफिस से उसका नाम है मिस्टर रस्तोगी। मिस्टर रस्तोगी क्या बोल रहा है, हेलो मे आई स्पीक विद मी मिसेस दीक्षित प्लीज। तो वो क्या बोल रहा है कि क्या हम मिसेस दीक्षित के साथ बात कर रहे हैं। आई एम नरेश रस्तोगी फ्रॉम द ऑफिस, हम नरेश रस्तोगी बोल रहे हैं ऑफिस से। तो मिसेस दीक्षित कौन हुआ, अंबुज की मम्मी। अंबुज क्या बोल रहा है, मम्मी मॉम इज नॉट एट होम राइट नाउ, मॉम अभी फिलहाल घर पर नहीं है। मिस्टर रस्तोगी ये बात सुन के क्या बोल रहा है, इन दैट केस कैन यू गिव हर ए मैसेज, क्या तुम उसे एक मैसेज दे पाओगे। इट इज अर्जेंट, ये जो मैसेज है ये बहुत अर्जेंट है, बहुत जरूरी है। प्लीज टेल हर दैट द मीटिंग फिक्स्ड फॉर टुमारो हैज बीन रीशेड्यूल्ड, उसे बोल देना कि कल यानी आने वाले कल टुमारो जो शेड्यूल होने वाला था, जो मीटिंग शेड्यूल होने वाला था वो रीशेड्यूल हो गया है, यानी वो मीटिंग कल नहीं होगा, उसका शेड्यूल चेंज हो गया है। आस्क हर टू चेक हर मेल एज सून एज पॉसिबल फॉर द डिटेल्स, डिटेल्स के लिए जितना जल्दी हो सके उसे बोल देना कि वो अपना मेल आईडी को एक बार चेक कर ले। प्लीज डोंट फॉरगेट टू इन्फॉर्म हर, और उसे बोल ये बात जरूर बोल देना, भूल नहीं जाना। अंबुज क्या बोल रहा है सुनके, यानी तुम क्या बोल रहे हो, डोंट वोरी आई विल टेल हर एज सून एज शी रिटर्न्स, हम उसे बता देंगे ये बात जब ही वो आएगी, तभी तुरंत बता देंगे।
तो इस मैसेज को कैसे लिखा गया है, ऊपर क्या लिखे हैं मैसेज, यहां डेट डाल दिया है, यहां टाइम दिए हैं, यहां देखो अंबुज अपने मम्मी को मॉम मॉम नाम से बुलाता है, इसीलिए यहां मॉम दिए हैं, इसके नीचे यहां स्पेस दगा दिए हैं, फिर उसके बाद बॉडी ऑफ द मैसेज कंटेंट में क्या लिखे हैं, मिस्टर रस्तोगी, यहां से लिखना शुरू करना होगा, मिस्टर रस्तोगी फ्रॉम द ऑफिस ऑफिस कॉल्ड अप टू से दैट द मीटिंग फिक्स्ड फॉर टुमारो हैज बीन रीशेड्यूल्ड। मिस्टर रस्तोगी जो तुम्हारे ऑफिस से फोन किया था उसने ये बोला है कि कल जो मीटिंग होने वाला था वो रीशेड्यूल्ड हो गया है। ही वांट्स यू टू चेक योर मेल एज सून एज पॉसिबल फॉर द डिटेल्स। उसने ये भी बोले है कि जितना जल्दी हो सके तुम अपना मेल आईडी एक बार चेक कर लो इस बारे में, इस डिटेल्स को लेने के लिए। ही सेड दैट इट वॉज अर्जेंट। उसने ये भी बोला है कि ये जो है ये वार्ता जो है ये मैसेज जो है ये विशेष जरूरी है। और नीचे देखो तो यहां तक लिखने के बाद यहां एक स्पेस डाल देना और यहां तुम्हारा नाम यानी अंबुज लिखना है। तो ये जो इतना बड़ा कन्वर्सेशन था इस कन्वर्सेशन को इतना छोटा अंडर 50 वर्ड्स में कैसे हम लिखे हैं। आज एक स्टोरी हम डिस्क्राइब करेंगे जिसका हिंट से यहां दिया हुआ है। यू आर डिगिंग इन योर गार्डन एंड फाइंड ए नगेट ऑफ गोल्ड। तुम अपने बगीचे पे खोद रहे थे और तुम्हें एक सोने का ढेला मिला। यू डग फर्दर एंड कैरी ऑन। इसके बाद तुम खोदते रहे। तो इस स्टोरी को हम लोग कैसे लिखेंगे। वन मॉर्निंग आई वॉज इन माई गार्डन। एक दिन सुबह हम अपने बगीचे में थे। I decided to make a compost pit. हम सिद्धांत लिए क्या करने का, एक compost pit बनाने का यानी खाद बनाने का, बगीचे में जो खाद का यूज होता है जो प्रयोग होता है वो बनाने का सिद्धांत हम लिए। So I began digging in a corner. तो हम क्या किए ना, एक कोने पे जाके खोदना शुरू कर दिए। Suddenly my shovel hit something hard. अचानक क्या हुआ, जिससे हम खोद रहे थे कोई कठिन वस्तु से जाके टकराया। आई बिलीव्ड इट वॉज ए पीस ऑफ स्टोन। मुझे विश्वास था कि वो कठिन वस्तु कोई पत्थर होगा। एंड पिक्ड इट अप, और इसीलिए उसको हम उठाए। बट इट वॉज मच हैवियर देन ए स्टोन। मगर वो जो कठिन वस्तु था वो पत्थर से भी भारी था। आई रिमूव्ड द क्ले क्लिंगिंग टू इट। उसके बाहर जो कीचड़ लगा हुआ था उसको हम हटाए धोए। आई डिस्कवर्ड इट वॉज ए नगेट ऑफ गोल्ड। और मुझे मिला कि ये जो है जो कठिन वस्तु सा था ये एक सोने का ढेला था। आई वॉज मच एक्साइटेड एंड डग फर्दर। और इसीलिए हम बहुत उत्तेजित हो गए, एक्साइटेड हो गए, और हम क्या किए और भी खोदना शुरू कर दिए। आई केम अक्रॉस ए रोटेन लेदर बैग। मुझे क्या क्या मिला, एक सरा हुआ चमड़ा से बनाया हुआ एक थैली मिला। इट कंटेन्ड सम ज्वेल्स एंड सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन्स। जिसके अंदर कुछ जेवर था और चांदी और सोने का कुछ सिक्का भी मिला। आई रियलाइज दैट आई हैड हिट अपन ए ट्रेजर ट्रोव। मुझे लगा कि हम खजाना को आविष्कार कर लिए हैं। आई फेल्ट लाइक टेकिंग एट होम। मुझे लगा कि ये जो ट्रेजर मुझे मिला है इसको लेके हम घर में जाए। बट इट वॉज इलीगल टू डू सो। मगर ये काम अच्छा नहीं है, लीगल नहीं है, इलीगल है यानी गैर कानूनी है। सो आई इन्फॉर्म द पुलिस। तो हम क्या किए, पुलिस को बुलाए, इन्फॉर्म किए। सो सून ए टीम ऑफ पुलिसमैन अराइव्ड एंड डग आउट द एरिया अराउंड माई फाइन। तो पुलिसमैन आके क्या किया, उस एरिया को उन लोगों ने क्या किया, डग किया यानी खोदना शुरू किया। दे कुड नॉट फाइंड मच एक्सेप्ट ए फ्यू आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे यूज। उसको कुछ नहीं मिला,
केवल क्या मिला, कुछ आर्टिकल्स मिला और कुछ मैगजीन जो होता है जो रेगुलर यूज करने वाला जो दैनिक अखबार है उस टाइप का कुछ कागज मिला पुराना। द कॉइन्स एंड ज्वेल्स बिलोंग टू प्री मुगल पीरियड, और जो सिक्का मुझे मिला वो सब मुगल पीरियड से भी पहले पहले का था, यानी बहुत पुराना था। द पुलिस सस्पेक्टेड दैट सम वेल्दी मैन हैड ब्यूरिड देम टू कीप देम सेफ। पुलिस ने क्या सस्पेक्ट किया, ये सस्पेक्ट किया कि पुराने जमाने में कोई अमीर आदमी ने क्या किया, उसको छुपाने के लिए मिट्टी के नीचे उसको गाड़ दिया था, रख दिया था। इन दोज डेज इट वॉज ए कॉमन प्रैक्टिस टू ब्यूरी वैल्यूएबल टू कीप देम सेफ फ्रॉम बींग लूटेड बाई इन्वेडर्स एंड रॉबर्स। पुराने जमाने में डकैत या इन्वेडर्स से बचने के लिए, रॉबर्स थीफ और इन्वेडर्स से बचने के लिए ये सब करते थे। सब लोग क्या करते थे, मिट्टी के नीचे सब छुपा के रख देते थे। द पुलिस टूक अवे द ट्रेजर, पुलिस ने क्या किया उस खजाने को ले चला गया। एंड आई वॉज गिवेन ए रिवार्ड, और मुझे क्या मिला, पुरस्कार मिला। तो ऐसे ही दोनों हिंट्स दिया हुआ था इस स्टोरी का, ये स्टोरी कैसा था इसको हम पढ़ के वर्णन कर दिए हैं। तो अपने आप ऐसे स्टोरी का बहुत सारा हिंट्स दिया जाएगा, बहुत सारा स्टोरी में ऐसा ही हिंट्स दिया जाएगा, खुद से लिखने की प्रैक्टिस करना जरूरी है।